नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे गांधी सेतु पुल के पूर्वी लेन के बारे में। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले गांधी सेतु पुल के दूसरे लेन का परिचालन को लेकर इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है। बता दें कि गांधी सेतु पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस पुल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री के साथ साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ सांसद और विधायक इस दौरान यहाँ पे मौजूद रहे। इस पुल के निर्माण को लेकर लंबे समय से इंतजार था। पहले यह पुल लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन के लिए जाना जाता था, यानी कि उसकी जाम की जो स्थिति थी उससे जाना जाता था। लेकिन पहले यह पुल लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन, जिसे हम जाम कहते हैं, उसके लिए जाना जाता था। अब इस पुल पर तेज़ रफ्तार वाली वाहनों के लिए जाना जाएगा। इस पुल के बन जाने के बाद से पटना से हाजीपुर जाना बहुत ही आसान हो गया है। इस पुल के बन जाने से महज 15 मिनट में आप इस पुल के माध्यम से हाजीपुर पहुँच सकते हैं। इस पुल को विशेष डिज़ाइन के तहत तैयार किया गया है। पुल में कुल 46 पायों और हेड गार्डन के जरिए ज्वाइंट किया गया है। हाजीपुर पुल के साथ साथ 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यह पुल भारत के इतिहास में एक अहम पहचान रखता है। आपको बता दें कि यह पुल एक समय एशिया का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा पुल था, लेकिन समय के साथ इस पुल की हालत जर्जर हो गई। इस पुल को लगातार मरम्मती का कार्य होता रहा। फिर एक समय आया जब इस पर विचार किया गया कि इस पुल का कायाकल्प कर दिया जाए, और वो साल था 2016 का, जिसमें सबसे पहले इसके पश्चिमी लेन पर काम शुरू किया गया। तब गांधी सेतु पुल का पूर्वी लेन चालू हुआ था, यानी कि पूर्वी लेन से जो है अप और डाउन में गाड़ियां चला करती थी। जब पश्चिमी लेन बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, बता दें कि इसमें पुल को जो है साल 2020 में पूरी तरीके से, वो मार्च और जून का महीना था जिसमें इस पुल को जो है सरकार को आम लोगों के बीच में जो है हैंडल करना था, लेकिन कई तकनीकी कारणों से यह पुल जो है तय समय पर नहीं बन पाया। उसके बाद फिर कोरोना काल के कारण इसके समय में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि अब जब यह शुरू हो गया है तो यह कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार और राजधानी वासियों के लिए, साथ साथ बिहार के लोगों के लिए यह एक सौगात होगा। उत्तर बिहार और राजधानी पटना के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली गांधी सेतु पुल पर अब गाड़ियां तेज़ रफ्तार से दौड़ेंगी। साथ ही साथ हाजीपुर और राजधानी पटना के बीच की दूरी 15 मिनट की हो जाएगी। बता दें कि इस पुल की दूरी 5.5 किलोमीटर की है। कहा जा रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गाड़ी चलती है तो आप इस पुल पर 15 मिनट में पार कर सकते हैं। बता दें कि उद्घाटन होने से पहले बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन दलबल के साथ इस पुल का निरीक्षण कर चुके हैं। इस पुल के निर्माण के दौरान इस बात का ख्याल रखा गया है कि लोगों को पुल पर सफ़र करते समय किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस पुल में इस बात का सबसे अहम जो चीज़ जोड़ी गई है वह है पुल पर पैदल चलने वाले साइकिल सवार लोगों के लिए अलग से एक बे, यानी कि एक रास्ता जो है वो बनाया गया है। ऐसे में पैदल यात्री मेन लेन में नहीं चलेंगे, जिससे कि गाड़ियों की रफ्तार पर किसी तरह का कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह से कह लें कि यह जो पुल है उत्तर बिहार और राजधानी पटना के लिए लाइफलाइन कही जाती है, और इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे, क्योंकि यह पुल ऐसा पुल है जिसके बारे में कई अहम बातें निकल कर सामने आती है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें कहा गया कि इस पुल से 1 मिनट के अंदर 52 गाड़ियां पार करती है। अगर हम 2016 के आंकड़ों को देखें इसी पुल को लेकर, तो 24 घंटे में अगर हम पुल से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं तो उसमें जो आंकड़ा था वो चौंकाने वाला था। वो 60,000 ऐसी गाड़ियां हैं जो इस पुल से इस तरफ से उस तरफ जाती है। तो सर, इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो गांधी सेतु पुल है यह आम लोगों के बीच में कितना पॉपुलर है, और यह जो है व्यापार की दृष्टि से कितना ही सामरिक है। तो ऐसे में इस पुल के एक बार फिर से शुरू हो जाने के बाद से उत्तर बिहार के लोगों के लिए राजधानी पटना आना बहुत ही आसान हो जाएगा, और दूसरी बात व्यापार की दृष्टि से भी यह काफ़ी अहम होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।